बलरामपुर मदरसा जामिया मोनिया मेनहा उत्रोल बलरामपुर स्कूल में दस्तारबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 113 बालिकाओं को तालीम याफ्ता की सदन दी गई। कुल 113 बालिकाओं को तालीम याफ्ता की सनद दी गई। इस दौरान 26 छात्राओं को मुफ्ती, 45 छात्राओं को आलिम व 42 छात्राओं को केरत की डिग्री का प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मऊ जिले के नूर सबा अजीजी रही, जिन्होंने अपने हाथों से सभी उत्तीर्ण छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया। सनद पाकर सभी छात्राएं व अभिभावक प्रफुल्लित हो उठे। दस्तारबंदी के मौके पर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। स्कूल के प्रबंधक हाजी गुलाम नबी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ से सैकड़ों लड़कियाँ तालीम याफ्ता होकर निकलती हैं। जामिया मोइनिया में ये जो कार्यक्रम कराए हैं, साल में कितना बार ये कार्यक्रम होता है इसके बारे में बताइए। ये साल में एक बार ये होता है बड़ा फंक्शन, और एक एनुअल फिस्टा भी होता है। ये दोनों कार्यक्रम होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले एनुअल फिस्टा करते हैं। ये किस तरह का कार्यक्रम होता है? इसमें बच्चियाँ जो फारिग होती हैं उनको यहाँ से बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया जाता है, और उन्हें ये बताया जाता है कि आपका कोर्स मुकम्मल हो गया। इसमें स्पेशली तौर पर नकाब दिया जाता है और शाल दिया जाता है, और नकाब और शाल बड़े बड़े हमारे महाविद्वान आते हैं, और कुछ लेडीज़ भी आती हैं वो अपने हाथों से देती हैं। और इसमें लोगों को पैगाम दिया जाता है जो दूर से, जैसे इस साल हमने नूर सबा साहिबा को बुलाया मऊ अदरी से कि वो पैगाम दें कि तालीम की अहमियत क्या है, और तालीम सिर्फ अरबी फारसी तक महदूद न रहे बल्कि वो ऐसी तालीम हो कि जिससे बच्ची किसी भी यूनिवर्सिटी में या बड़े बड़े कॉलेजेस में वो अपना एडमिशन करा सकें। हम उसकी सनद भी देते हैं और गवर्नमेंटी मार्कशीट भी देते हैं। गवर्नमेंट की इसकी मान्यता कामिल तक है और फाजिल तक है, तो हम वो मार्कशीट भी देते हैं साथ में कि जिससे कहीं भी एडमिशन करा सकती हैं। इनकी ज़िंदगी लाइफ ख़राब नहीं होती है बल्कि बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। किस तरह का पढ़ाई यहाँ पर होता है, किस किस सब्जेक्ट का होता है? मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले भी कि यहाँ पर अरबी, फारसी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन तमाम सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, साइंस की भी तालीम होती है, और साथ ही साथ उनको हुनर की भी तालीम दी जाती है कि अगर एडमिशन नहीं कराती हैं तो कहीं भी जाकर वो अपना रोजी रोटी का काम अंजाम दे सके। इस क्षेत्रवासियों को आप क्या कहना चाहते हैं, जो इस क्षेत्र में जो मदरसा है इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझ? ये इसीलिए हमने इस मदरसे की बुनियाद स्थापना 2007 में 14 फरवरी को रखी, और हाजी गुलाम नबी साहब नूरी जो इस जामिया के प्रबंधक हैं, और हाजी मुजीबुल्ला साहब अशरफी जो इस जामिया के प्रेसिडेंट हैं, और मैं जो इस जामिया का डायरेक्टर हूं, हम तीनों ने मिल करके ये राय किया कि ये बहुत ही बैकवर्ड क्षेत्र है, यहां पर मदरसा बनाया जाए और कॉलेज बनाया जाए कि जिससे यहाँ के बच्चियाँ जो दूर दूर नहीं जा सकती हैं हम उनके एजुकेशन में अच्छी मदद कर सकें।